नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के ऐलान के बाद ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया था। सभी दल अचानक बुलाए जा रहे हैं, इस विशेष सत्र के पीछे की वजह जानने में जुटे थे। इसी बीच खबर है कि विशेष सत्र में मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश कर सकती है। इसके बाद एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार ने एक कमेटी भी बना दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि इस पर विपक्षी दलों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बिल पर खुशी जाहिर की है और पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन, यह एक अभिनंदनीय प्रयास है। हमें प्रसन्नता है जानकर के कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है, इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को की अध्यक्षता में बनी है। इस अभिनव पहल के लिए मैं देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन ही आज की आवश्यकता है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और 1.5 महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। एक बेहतरीन पहल हुई है, न केवल विकास के लिए बल्कि लोकतंत्र की समृद्धि और लोकतंत्र की स्थिरता के लिए, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाएगा, उसके लिए यह एक अभिनंदनीय पहल है। मैं इसका स्वागत करता हूं। बता दें कि केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। आशंका जताई जा रही है कि इस दौरान एक देश एक चुनाव पर सरकार बिल भी ला सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन या एक देश एक चुनाव का मतलब हुआ कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।